नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है कि सर क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी हो तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक थीटा अपान ए कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है किताब में जो है ए सेक थीटा भी दिया है, ठीक है। कई किताबों में ए सेक थीटा भी दिया है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है बी सेक थीटा ही होना चाहिए, ठीक है। तभी ये जो है इतना सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको सिद्ध करते हैं। कब कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हल, और हल में लिखेंगे क्या कि हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया गया है हम लोगों को, तो दिया है क्या कि टेन थीटा बराबर क्या दिया है, ए अपान बी दिया है। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है कि बी अपान ए, अब बी सेक थीटा है, सेक थीटा अपान में जो है क्या है, तो कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर होना चाहिए 1 के, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, 1 में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इस जो है कौन सा, अब देखिए ये जो है बराबर के इधर है, मतलब 1 जो है बराबर के जिधर है उसको दायां पक्ष कहेंगे, और 1 बराबर के इधर मैंने इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, दायां पक्ष कहेंगे, सॉरी बायां पक्ष कहेंगे। इसको बायां पक्ष कहते हैं, इसको दायां पक्ष, क्यों, क्योंकि ये बाएं हाथ की तरफ है, ये दाएं हाथ की तरफ है, ठीक है। तो हम लोग बायां पक्ष लेकर जो है सिद्ध करेंगे कि यह जो है 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि बायां पक्ष लेने पर या बायां पक्ष बराबर, ठीक है। यहाँ से जो है दिखाते हैं ताकि एक ही पेज में इतने में ही अट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर क्या है, तो यही है बी सेक थीटा। और दोस्तों आप लोग जो भी वीडियो देखिए पूरा देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि यह मैथ है, और मैथ में वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर मैथ समझ में नहीं आता है, और प्लस में हम बेसिक चीज़ें भी बताते हैं, तो इसमें जो है पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए बी को तो बी रहने दे दीजिए, अब सेक थीटा का व्युत्क्रम हम लोग लिख सकते हैं, तो व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है सेक थीटा का, 1 बटे cos थीटा, 1 बटे cos थीटा भी होता है, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात है ये, सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा होता है। अब बटे में जो है क्या लिख सकते हैं, ए इंटू कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 बटे sin थीटा, ठीक है, इतना होता है। अब जो है हम लोग आगे इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बी गुणे 1 बटे cosec cos थीटा है, बी गुणे 1 बटे cos थीटा, तो बी का जो है 1 में गुणा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग जो है चाहे तो इसको नहीं समझ में आ रहा है तो बी का हर 1 मान लीजिए, ठीक है। तो बी बटे 1 गुणा 1 बटे cos थीटा, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है गुणा में, और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, तो ऊपर का ऊपर गुणा होगा यानी कि बी गुणे 1 तो बी हो जाएगा, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, कॉस गुणे 1 तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 इन बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि बी बटे कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, अब इसका भी ए का ए में गुणा हो जाएगा 1 में, तो ए का 1 में गुणा होगा तो ये बटे, अब ये जो है साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए अब बी बटे कॉस थीटा है, ए बटे साइन थीटा है, तो अब देखिए भाई बटे में है, ठीक है, तो जब बटे में है इसको जो है गुणा में चेंज करेंगे तो ये जो है पलट जाता है, कहने का मतलब ये हो जाएगा बी बटे कास तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये अपने जगह पे है, आ इंटू में अब इसको करेंगे तो ये जो है जब इसको इंटू में भाग में है गुणा में करेंगे, इसको कन्वर्ट करके हमने यहाँ चाहेंगे कि गुणा लिख दिया जाए
तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे ए लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे गुणा के जगह पे, ठीक है। अब जो है इसको आगे देखते हैं, तो अब देखिए बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इंटू साइन थीटा बटे में बी इंटू साइन थीटा बटे में जो है क्या हो जाएगा, ए इंटू कॉस थीटा, ए इंटू कॉस थीटा होगा ना, गुणा है तो बी का साइन से गुणा होगा, आई का कास से गुणा होगा भाई, कास ए कास थीटा इंटू ए लिखिए चाहे ए इंटू कॉस थीटा लिखिए, ठीक है, तो ए इंटू कॉस थीटा जो है बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बी बटे ए साइन थीटा अपान कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग बी अपान ए को तो बी अपान ए रहने दीजिए, साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा, साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। ये सूत्र आप लोग बेसिक जो है इसका जो वीडियो है इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, जैसे कि होता है इसका जो है अनुपातिक, मैंने कास कास और साइन का जो अनुपात होता है यह जो है टेन थीटा के बराबर होता है, ये सूत्र है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। और इसी का उल्टा जो है काट थीटा, यानी कि कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर काट थीटा हो जाता है, ठीक है, ये जो है सूत्र होता है एक, ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो बी अपन ए टेन थीटा हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी अपन ए को तो यही रहने दीजिए, और टेन थीटा बराबर दिया गया हम लोग को कितना, ए अपन बी। आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि हम लोग पहले ही यहाँ पे लिखे हैं कि टेन थीटा बराबर दिया है, टेन थीटा बराबर ए अपन बी, ठीक है, तो इतना दिया गया हम लोग को। तो यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मैंने ए एकनम ए अब बी एकनम बी, तो एक एक आएगा, तो एक अब बट्टे में एक बराबर हो जाएगा एक अब बट्टे में एक, तो क्या हो जाएगा एक, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का जो है कितना, एक बराबर है कितने के, दायां पक्ष के, एक जो है बराबर आया दायां पक्ष के, तो यहाँ पे लिखेंगे दायां पक्ष, यानी कि एक बराबर हो गया दायां पक्ष के, यानी कि कहने का मतलब है कि बायां पक्ष जो है किसके बराबर आया, दायां पक्ष के बराबर आ गया, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो है जो भी दिया गया है वह जो है सही है, यानी कि सिद्ध हो रहा है कि बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर है किसके, तो दायां पक्ष के, ठीक है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए इति इति सिद्धम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे देखिए आप लोग प्रश्न संख्या 18 है कि यदि कास ए बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि टेन ए बटे में 1+tan² a बराबर होगा साइन ए अपान सेक ए के, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हल, और हल में जो हम लोग को क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि यदि कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर 4/5, ठीक है, तो दिया है लिख लेंगे, तो क्या दिया गया है हम लोगों को, दिया गया है कि कॉस ए बराबर 4/5 दिया है। तो अब देखिए कॉस ए बराबर 4/5 दिया है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4/5 को लिख सकते हैं, जैसे कि कॉस ए बराबर क्या होता है, तो आधार आधार बटे में होता है कर्ण, ठीक है। तो ये जो है कॉस ए बराबर दिया है 4/5, तो अगर हम लोग इससे तुलना करें तो 4 जो है आधार के जगह पे आ रहा है और 5 कर्ण के जगह पे आ रहा है,
यानी कि आधार का मान 4 दिया गया है और कर्ण का मान 5 दिया गया है, ठीक है। तो अब आधार और कर्ण दिया है, इसका मतलब अब हम लोगों को समकोण त्रिभुज भी बनाना पड़ेगा। तो एक जो है समकोण त्रिभुज हम यहाँ बना लेते हैं यहाँ कोने में, ठीक है, ताकि जो है वीडियो को एक ही कंडीशन में दिखाया जा सके। तो यहाँ पे जो हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम लोग, तो ए बी और सी। अब जो है ए हमने यहाँ क्यों रखा, क्योंकि कोण ए दिया है, तो कोण ए यहाँ रखने से फ़ायदा ये होगा कि आधार और कोण ठीक से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वह हमेशा जो है कर्ण होता है ये फिक्स होता है, ठीक है, और लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इस कोण के हिसाब से इसको फिक्स किया जाता है, जैसे कि कोण ए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कोण ए के हिसाब से देखा जाए, कोण ए पर खड़ा होके, तो जो है ये लंब दिखेगा और ये आधार दिखेगा, ठीक है। तो माने यह जब जब कोण जो है क्लियर हो जाता है कि किस कोण पे खड़े होकर देखना है, तो यहाँ पे देखिए कास ए है, इसका मतलब ये कह रहा है कि ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो ए के अकॉर्डिंग इसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी, यह एकदम फिक्स है, ठीक है। और इसका अब बाकी ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, 3 गो भुजे हैं, तो ये जो है आधार, जन बचाऊ आधार होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आधार, ठीक है। तो अब जो है अब हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय से, अब देखिए यहाँ पे जो आधार क्या, आधार का जो है 4 से तुलना करने पर, मतलब 4/5 आधार बटे कर्ण का अगर तुलना करते हैं, तो आधार की जगह पे है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और कर्ण की जगह पे है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को जो है BC निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आराम से जो है टेन का मान इसमें रख दिया जाए, और साइन और सेक का मान इसमें रख दिया जाए, और दोनों पक्षों को देखा जाए कि बराबर अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लंब को निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, यहाँ हम आगे बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है, और जो सिद्ध करना है यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और दोस्तों इससे पहले हम जो है प्रश्नावली 6F और E और A और B, प्रश्नावली 6 का FCAB जो है समाप्त कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसका काफ़ी मांग था कि सर जो है प्रश्नावली 6 को जो है ख़त्म कर दीजिए। अब बच रहा है C और D, तो इसको भी बताना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग क्या होता है, तो शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है, लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग होता है, ठीक है। ये जो है पाइथागोरस का जो है प्रमेय है, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब कर्ण देखिए AC है, तो कर्ण AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का वर्ग बराबर, लंब के जगह पे देखिए BC है, तो यहाँ पे लिखेंगे BC का वर्ग बराबर, BC का वर्ग, अब प्लस में जो है प्लस है, तो प्लस में जो आधार का वर्ग यानी कि AB का वर्ग, ठीक है, AB का वर्ग कर देंगे। वर्ग लगाने के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे तो अति उत्तम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AC का वर्ग, तो AC का मान यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 5, तो यहाँ पे भर देंगे 5, और इसका कर देंगे वर्ग बराबर BC का वर्ग। तो BC का वर्ग जो हम लोग को ज्ञात करना है, तो BC का मान दिया नहीं है, अब प्लस में जो है AB का मान दिया हुआ है, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और इसका वर्ग है तो वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, 5 का वर्ग, 5 पर वर्ग का मतलब जो है 5×5, ठीक है, होगा। और जो है यहाँ पे BC का वर्ग का मतलब BC का वर्ग ही रहने दीजिए, अब बराबर जो है क्या हो जाए, सॉरी प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 4×16,
ठीक है, मैंने 4 का वर्ग का मतलब 4 गुणा 4, तो यानी कि 4 चौका 16। अब यहाँ पे देखिए 5 5 हो गया 25, अब बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। और इस 16 को इधर ला देते हैं, ठीक है, तो इस 16 को इधर ला के ही लिखते हैं, तो 25 में से इस 16 घट जाएगा, ठीक है, इस 16 प्लस में है, और जब बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 16। आप तब बराबर लिखिए, ठीक है, तो 25 माइनस 16 बराबर BC का वर्ग। अब 16 में से जो है 25 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 16 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना भाई दोस्तों। इसमें जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है कि 5 5 25 हुआ है, ठीक है, हमने 25 लिख दिया और इसको जो है ट्रांसफ़र कर लिया इधर, अंक को, न्यूमेरिक अंक को जो है हमने इस नंबर को जो है इधर ट्रांसफ़र कर दिया 16 को, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 16 25 में से 16 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, और 9 बराबर हो गया BC का वर्ग हो गया, ठीक है। तो अब 9 बराबर है BC के वर्ग के, तो अब वर्ग संख्या को जो हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग संख्या इधर आएगा बराबर के इधर, यानी कि बाएं पक्ष में, तो क्या होगा, ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा 9, तो अंडर रूट में हो गया 9 बराबर क्या, BC हो गया, तो अंडर रूट में 9 बराबर BC, तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट में 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 अब बराबर BC। आ देखिए कर्णी के अंदर जिस संख्या का जोड़ा लगता है वो संख्या बाहर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3, और 3 बराबर हो गया BC, ठीक है, 3 बराबर हो गया BC, यानी कि BC बराबर हो गया 3, ठीक है, तो BC का मान हम लोगों को निकल गया 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 3। और उसके बाद से देखिए इससे हम लोग को अब फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि देखिए अब हम लोग जो है यहाँ टेन ए का मान निकाल सकते हैं, साइन ए का मान निकाल सकते हैं, और सेक ए का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मान निकाल लेते हैं, तो अब साइन ए का मान अगर हम लोग को निकालना हो इस समकोण त्रिभुज से, तो साइन ए बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटे में हो जाता है कर्ण, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण का मतलब, अब देखिए इसमें लंब क्या है तो 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, अब बट्टे में जो है कर्ण क्या है तो 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, तो 3/5 जो है साइन ए का मान हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का सेक ए का मान निकाल लेते हैं, तो सेक ए का मान अगर निकालते हैं, सेक ए का मान, ठीक है, तो सेक ए का मान अगर निकालेंगे तो सेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है, सेक बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण है मैंने यहाँ पे लिख दीजिएगा कर्ण, ये सूत्र है, आप लोग देख सकते हैं कि कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, बुक में दिया है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, ये जो है सूत्र बुक में भी दिया गया है, ठीक है, तो कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण बटे आधार हो गया है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 5 है, आधार का मान जो है कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आधार का मान 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो आधार जो है 4 लिख देंगे नीचे, ठीक है, तो ये हो गया 5/4। अब उसके बाद से जो है टेन का भी मान निकाल लेते हैं, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए कहिए चाहे टेन थीटा है, तो यहाँ पे ए के रूप में दिया है, तो यहाँ पे टेन ए ही कहेंगे, ठीक है, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लंब अब बटे में आधार, ठीक है, और लंब क्या है, तो लंब जो है आपका यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और आधार क्या है, तो 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो ये हो गया 3/4। अब हम लोग जो है इसका मान क्रमशः जो है दाया पक्ष और बाया पक्ष में रख देंगे, तो पहले बाया पक्ष में मान रखते हैं, तब दाया पक्ष में मान रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि बाया पक्ष बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाया पक्ष बराबर, बाया बाया पक्ष, बाया पक्ष बराबर क्या हो जाएगा, तो बाया पक्ष बराबर हो जाएगा आपका, बाया पक्ष क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है टेन ए बट्टे में जो है 1 + tan a दिया है। तो अब देखिए अब इसमें मान भर देते हैं, तो टेन ए का मान जो है हम लोग निकाले हैं 3/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 अब बट्टे में, मैंने टेन ए का मान हमने रख दिया 3/4,
क्योंकि यहाँ पे हम लोग निकाल रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा लाइट इसका जो है तेज कर दें। ठीक है, अब दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3/4 टेन ए का मान हो गया, फिर 1 + tan a, यहाँ पे भी दिया हुआ है, टेन ए स्क्वायर दिया है। ठीक है ना, टेन स्क्वायर ए दिया है, यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, तो 1 + tan² ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + tan² ए, तो टेन ए का मान कितना है, तो 3/4, अब वर्ग है तो यहाँ पे देगा वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 3/4 तो रहेगा ही रहेगा, अब बटे में जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + प्लस में, अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे, 4 का भी वर्ग करेंगे, वर्ग संख्या है तो मतलब वर्ग इस पे है, तो 3 3 के 9 और 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, तो 3/4 तो रहेगा ही रहेगा, अब बटे में जो क्या हो जाएगा, 16 का इसमें गुणा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 16 करम 16 + 9, तो 16 9 हो जाएगा आपका 25, अब बटे में हो जाएगा 16। ठीक है, इसको आगे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए फिर वही कंडीशन आ गया कि बट्टे में जो है ठीक है, मैंने 3/4 अब बट्टे में है 25/16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4, अब गुणा के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25। आप लोग जानते होंगे कि ये जो है उलट जाता है जब गुणा के रूप में कन्वर्ट होता है, तो ठीक है, तो ये हो गया 16/25। अब इसको जो है फिर आगे सॉल्व करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, तो इसको जो है यहाँ पे लिखते हैं, तब देखिए 16 को जो है काट ही लीजिए, यहाँ पे कट जाएगा 16, तो 4 4 16 यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब 4 3 12, यहाँ पे लिख देंगे 12, अब बटे में जो है 25, तो 12/25। ठीक है, तो आपका जो है बायां पक्ष आ गया 12/25, तो यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे दिखाएंगे कि बायां पक्ष बराबर कितना आया, तो 12/25 यहाँ पे दिखा देंगे बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष आपका आया कितना, 12/25, क्योंकि हम लोगों ने बायां पक्ष ही लेके हल कर रहे थे। ठीक है, तो बायां पक्ष आ गया 12/25, अब देखते हैं क्या दायां पक्ष भी 12/25 आता है, तब ना जो है बराबर होगा जी, तो अब दायां पक्ष ले लेते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग लेंगे दायां पक्ष, तो यहाँ पे लिखते हैं दायां पक्ष बराबर क्या है, तो दायां पक्ष दिया हुआ है साइन बटे मान साइन ए, अब बटे में क्या है, तो सेक सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग साइन ए का मान निकाले हैं, इसको जो है थोड़ा सा एक लाइन खींच देते हैं ताकि पता चले, ठीक है ऊपर आएगा। अब देखिए अब साइन ए अब बटे सेक ए बराबर दिया है, आप लोग लाइन मत खींचेगा, आप लोग मतलब ऐसे ही कीजिएगा, हम खींच दें ताकि अलग दिखे। ठीक है, अब साइन ए अब बटे सेक ए बराबर जो है क्या हो जाएगा, अब देखिए सेक ए का मान हम लोग रख देंगे साइन ए का मान, तो साइन ए का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि साइन ए का मान हम लोग निकाला है 3/5, तो यहाँ पे साइन ए का मान रखेंगे 3/5, बटे में जो है सेक ए, तो यहाँ पे देखिए सेक ए का मान हम लोगों ने क्या निकाला है 5/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/4। ठीक है, अब फिर इसको गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 तो ऐसे ही रहेगा, और ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ये पलटेगा तो 4/5 में आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 12 12 और 5 5 25, तो यहो आ गया 12/25, यो जो है आया है 12/25, इसका मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देख रहे हैं बायां पक्ष भी 12/25 आ रहा है और दायां पक्ष भी जो है 12/25 आया है, यहाँ लिख दीजिएगा दायां पक्ष। ठीक है, पक्ष, ठीक है, तो दायां पक्ष भी 12/25 और बायां पक्ष भी 12/25, इसका मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, दायां पक्ष के। ठीक है, तो बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, यह हम लोगों को सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दोनों सवाल। ठीक है, और सवाल अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हो
और इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई भी सवाल फंसता है तो चाहते हैं कि कोई बताने वाला है, तो एक ही जो है आपका चैनल मिलेगा, यही SK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल। इसके अलावा कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपके कमेंट को सुने और उसका जो है जवाब दे सके, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा चैनल है जिसको जो आप लोग कमेंट करेंगे तो सवाल ज़रूर मिलेगा आपका, 1 या 2 दिन बाद, लेकिन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपका सवाल फंसता है आप लोग कमेंट में बताइए और उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर भेजेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।